नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में मेरा एक सिंपल सा सवाल है, डू नाइस गाइज रियली फिनिश लास्ट? क्या अच्छे लोग पीछे ही रह जाते हैं और बुरे लोग आगे बढ़ जाते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं कुछ कहानियों और आइडियाज की मदद से आप लोगों को बताऊंगा। ये कहानियां और आइडियाज मैं जान पाया हूँ इरिक बार्कर की बुक बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री से, जिसमें से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स लाइफ में ज्यादा कामयाब कौन होता है। आप में से कुछ लोगों ने इसी बुक में से एक और वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो ये रहा वो वीडियो। और आज का सवाल है, डू नाइस गाइज रियली फिनिश लास्ट? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। नाइस गाइज की बात करने से पहले शुरुआत करते हैं एक बैड गाय की कहानी से। ये एक सच में घटित कहानी है, एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल के डॉक्टर माइकल स्वेंगो की, जो कि एक अच्छे डॉक्टर तो नहीं है पर सक्सेसफुल सीरियल किलर है। हाँ जी दोस्तों, हैरान मत होइए, एक सक्सेसफुल सीरियल किलर। उनके हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद हॉस्पिटल में पेशेंट्स का मरना ज्यादा शुरू हो गया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कलीग्स ने ये नोट करना शुरू किया, पर कोई प्रूफ ना होने के कारण और माइकल का बहुत इंटेलिजेंट और श्रूड होने के कारण कभी भी ये बात एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। फिर एक दिन एक नर्स ने उन्हें एक पेशेंट को, जो उनका पेशेंट था भी नहीं, को एक इंजेक्शन देते हुए देखा, जो उन्हें उसे नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उस इंजेक्शन देने के बाद वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी, पर किसी तरह डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। जब वो पेशेंट स्टेबल हुई तो उसने माइकल के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया और इमीडिएटली एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब आपको क्या लगता है, इतने बड़े इंसिडेंट्स के बाद इस इंसान को हॉस्पिटल से निकाल दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। माइकल स्वेंगो एक बहुत ही श्रूड इंसान होने के कारण और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब ना हो, इसके कारण स्वेंगो उसी हॉस्पिटल में करीबन 15 साल और काम करता रहा। अब ऑथर का ये कहानी बताने का जो मकसद है वो ये है कि क्या वो लोग जो जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो चीट करते हैं, जो रूल्स को ब्रेक करते हैं, क्या वो हर उस चीज में कामयाब होते हैं जो वो चाहते हैं? क्या वही आगे बढ़ते हैं? और अच्छे इंसान जो चीटिंग नहीं करते, रूल्स ब्रेक नहीं करते, वो पीछे रह जाते हैं? वही सवाल जिससे इस वीडियो की शुरुआत हुई थी, डू नाइस गाइज फिनिश लास्ट? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए अब हॉस्पिटल को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं एक आम कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ, जहां पे दो इम्प्लॉइज काम करते हैं, संदीप उर्फ सैंडी और राम प्यारे शर्मा। सैंडी इज ए बैड गाय एंड राम प्यारे शर्मा इज ए नाइस गाय। सैंडी हार्ड वर्कर तो नहीं है पर स्मार्ट वर्कर है। अपने बॉस पे इम्प्रेशन जमाने में और उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने में कोई कमी नहीं छोड़ता, बॉस का फेवरेट है। दूसरे से काम करवाने और क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए टोटल रदलेस एटीट्यूड यूज करता है। और दूसरी तरफ राम है, जो कि एक नाइस गाय है, सीधा साधा इंसान, हार्ड वर्कर है, बॉस के लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि बॉस के हिसाब से काम नहीं करता, अपने कुलीग्स और क्लाइंट से बड़े सॉफ्ट तरीके से पेश आता है और उसी तरीके से काम निकलवाने की कोशिश करता है, काम चाहे निकले या ना निकले। अब आपको ये सवाल पूछा जाए कि सैंडी और राम में से अपने ऑफिस में से कौन ज्यादा कामयाब होगा, कौन आगे रहता होगा और कौन पीछे रह जाता होगा, ऑब्वियसली आपका जवाब होगा सैंडी। और आपका जवाब सही भी है। ऑथर अपनी बुक में बहुत सारी फाइंडिंग्स का रेफरेंस देते हुए बताते हैं कि बहुत सारे केसेस में सैंडी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ही इंसान आगे बढ़ जाते हैं और राम के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंसान पीछे रह जाते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि एक्चुअली नाइस गाइज फिनिश लास्ट? ये मानने से पहले क्यों ना एक नाइस गाय की कहानी भी सुन ली जाए। ये कहानी है एक इंसान वेस्ले ऑटरे की, जो एक सबवे स्टेशन पे मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहा था, जब एक दूसरा इंसान जो उनके साथ वेट कर रहा था वो आने वाली ट्रेन के सामने कूद गया अपनी जान देने के लिए। अगर आप वेस्ले की जगह खड़े देख रहे होते तो क्या करते? क्या ट्रैक्स पे कूदकर उस इंसान की जान बचाते? शायद कभी नहीं। पर वेस्ले ने ऐसा नहीं किया। He was a real nice man, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार के बारे में बिना सोचे, बस ये सोच के कि अभी उस आदमी को मेरी मदद की जरूरत है, कूद गया। अब जब ऐसा लग रहा था कि दोनों का मरना तय है क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड से आ रही थी, तब वेस्ले ने अपने आप को और दूसरे इंसान को एक नैरो ड्रेनेज जो साथ में ही थी उसमें डाल लिया और वो दोनों बच गए। उस दिन वेस्ले ने वो काम किया जो हम लोग सिर्फ मूवीज में ही देखते हैं।
अब ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या कहना है? Do nice guys finish last? अब आप लोगों को शायद कहना होगा कि वेस्ले ऑट्रे ने नाइस मैन बनके बेवकूफी की, कि वो मर सकता था, और फिर लोग यही कहते हैं कि अच्छे इंसान तो होते ही मरने के लिए है, पीछे रहने के लिए है। सो क्या ये नाइस इंसान इतना अच्छा काम करने के बाद भी दुनिया की नजरों में पीछे रह गया? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दिस नाइस गाय केम एट द टॉप इस इंसिडेंस के बाद। उसे न्यूयॉर्क सिटी अथॉरिटीज की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। उसकी बेटी को पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिली और कंप्यूटर्स भी मिले। उन्हें कई बहुत फेमस टॉक शोज पर बुलाया गया और यहां तक कि उन्हें उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में एज गेस्ट बुलाया गया। तो यहां तो इस नाइस मैन ने टॉप कर दिया, ही एक्चुअली केम फर्स्ट। ये एक अमेजिंग कहानी है जो बहुत ही रेयर होती है। पर दोस्तों, अगर अब हम इन कहानियों की दुनिया से बाहर आएं और फाइंडिंग्स और रिसर्च की बात करें और उसके बेस पे अपने शुरुआती सवाल का जवाब ढूंढे, तो फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि एक्चुअली नाइस गाइज फिनिश लास्ट बट दे ऑल्सो फिनिश फर्स्ट। मतलब बहुत से नाइस गाइज अपने कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स की वजह से कम्पीट नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं, पर बहुत से नाइस गाइज अपने उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स के कारण सबसे ऊपर भी आते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो जिस स्टडी और फाइंडिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो जानकर आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। ऑथर बताते हैं कि कैसे वॉर्टन स्कूल के प्रोफेसर एडम ग्रैंड ने इंजीनियर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और सेल्स पर्सन पे की गई एक स्टडी में ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन से लोग सक्सेस मैट्रिक्स के बॉटम पे होते हैं, जो अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स की वजह से पीछे छूट जाते हैं, कौन लोग इस मैट्रिक्स के टॉप पे होते हैं और कौन है वो लोग जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, जो बीच में रह जाते हैं। इस स्टडी के रिजल्ट आने के बाद ये पता चला कि एक बड़ा लॉट जो इस मैट्रिक्स के बॉटम पे है, वो है नाइस गाइज का लॉट, जिन्हें एडम ग्रैंड ने गिवर्स का नाम दिया है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये नाइस गाइज मतलब गिवर्स रिमेन्स वेरी नाइस टुवर्ड्स अदर पीपल, दे हैव ए हैबिट ऑफ गिविंग। इस कैटेगरीज के सेल्स पर्सन अपने कस्टमर के प्रति इतने नाइस होते हैं कि अपने कस्टमर का अच्छा सोचकर अपने कंपनी का प्रोडक्ट, जो एक्चुअली में कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं देगा, नहीं बेचते। पर एडम ग्रैंड की स्टडी ने एक और बहुत बेहतरीन खुलासा किया कि जैसे मैट्रिक्स के बॉटम पे एक बड़ा चंक गिवर्स का है, नाइस गाइस का है, वैसे ही मैट्रिक्स के टॉप पे भी एक कंसिडरेबल चंक नाइस गाइस का है, मतलब गिवर्स का है। मतलब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि नाइस गाइस रिमेन्स लास्ट इन मेनी केसेस, बट इन लॉट मोर केसेस दे आर फर्स्ट ऑल्सो। अब ये कैसे होता है? हाउ नाइस गाइस फिनिश लास्ट एंड इन सम केसेस दे टॉप द चार्ट। ये जानने के लिए इस मैट्रिक्स के बीच में, मतलब एवरेज कौन लोग होते हैं, ये जानना जरूरी है। वो दो कैटेगरी है। पहला है मैचर्स, जो एक इवन बैलेंस रखते हैं गिव एंड टेक का। आपने उनके साथ अच्छा किया तो वो अच्छा करेंगे, आपने उनके साथ बुरा किया तो वो बुरा करेंगे। और दूसरी कैटेगरी जो एवरेज आती है, वो है टेकर्स, वो लोग जो सेल्फिशली बस कुछ लेना ही चाहते हैं और देना नहीं चाहते, बैड गाइज कैटेगरी। अब जो नाइस गाइज मतलब गिवर्स लास्ट आते हैं, उसका कारण है उनका दूसरों को, मैचर्स को और टेकर्स को हद से ज्यादा हेल्प करना, या फिर अपोजिट, टेकर्स और मैचर्स का उन गिवर्स का ज्यादा फायदा उठाना। और जो नाइस गाइज गिवर्स टॉप पर हैं, उसका कारण है उस बंच ऑफ नाइस गाइज मतलब गिवर्स का अपनी गिविंग वाली इक्वेशन पे कंट्रोल रखना, मतलब उतना देना जितना जरूरी हो, जो मैचर्स कैटेगरी से ज्यादा हो और जिससे वो मैचर्स से आगे निकलकर उनकी सपोर्ट पा सके। टेकर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए तो सक्सेस मैट्रिक्स से टॉप पे आ जाते हैं, पर बिना मैचर्स के सपोर्ट के वो ज्यादा टाइम ऊपर नहीं रह सकते और बीच की किसी जगह सेटल हो जाते हैं, सक्सेस की टॉप मैट्रिक्स की जगह गिवर्स के लिए बना के। तो दोस्तों, ओवरऑल ये कुछ कहानियां और स्टडीज हमें ये बताती हैं कि बुरे इंसान के साथ शॉर्ट टर्म में चाहे अच्छा हो भी, लॉन्ग टर्म में वो रेस जीत नहीं सकता। डॉक्टर माइकल स्वेंगो, जिस सीरियल किलर की कहानी वीडियो की शुरुआत में हमने बताई थी, उस कहानी का अंत कुछ ऐसा होता है कि उसे मर्डर का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा मिली। और वहीं नाइस गाइज जैसे कि वेस्ले ऑट्रे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक अनजान इंसान की जान बचाई, उन्हें जाने अनजाने में कितने फायदे हुए और उनके साथ अंत में भी अच्छा हुआ। पर हाँ, जैसा कि ऑथर की फाइंडिंग्स ने यह भी बताया कि नाइस गाइज का एक कंसिडरेबल चंक हमेशा लास्ट भी रहता है, वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए और टॉप पे रहने के लिए ऑथर कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए कहते हैं, जो मैं यहाँ ब्रीफ में शेयर कर रहा हूँ।
डिटेल में ये रूल्स और ऐसे और बेहतरीन आइडियाज जानने के लिए ये बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। इसी बुक पे बना मेरा एक और वीडियो जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखें। और अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग आइडिया जैसे डू क्विटर्स नेवर विन एंड विनर नेवर क्विट के बारे में इस बुक से और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो और चैनल के बाकी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, आपको जरूर पसंद आएंगे। लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और आप इस दुनिया के बेहतरीन किताबों में से मोटिवेशनल स्टोरीज, इंटरेस्टिंग आइडियाज और फाइंडिंग्स 10 मिनट के शॉर्ट वीडियो में जान पाए। मैं फिर लौटूंगा एक और बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।